रेड क्रॉस समिति के सौजन्य से तहसील कार्यालय परिसर कंडाघाट में रविवार को उपमंडल स्तरीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सोलन उपायुक्त विनोद कुमार ने किया। शिविर के दौरान 24 पंचायतों के लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। रेड क्रॉस समिति द्वारा कंडाघाट में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार के पहुंचने पर रेड क्रॉस समिति कंडाघाट के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव धीमान ने शॉल व टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया, जबकि श्रीनगर पंचायत के उप प्रधान मनीष सूद और व्यापार मंडल कंडाघाट के अध्यक्ष रोहित सूद ने क्षेत्र के सिद्ध पीठ मंदिरों का कोलाज उन्हें भेंट किया। इस शिविर में उत्तर भारत के विख्यात महर्षि मार्कंडेश्वर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सुल्तानपुर द्वारा उपमंडल कंडाघाट के 24 पंचायतों से आए लोगों की चिकित्सीय जांच की गई। इस दौरान डॉक्टरों ने स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान नाक और गला, अस्थि रोग, शल्य चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, शिशु रोग और चर्म रोग सहित मनोचिकित्सा और दांतों की जाँच की। इसके अलावा आधुनिक प्रयोगशाला में रक्त एवं अन्य नमूनों की भी निःशुल्क जाँच की गई। वहीं शिविर के दौरान सभी रोगियों को आवश्यक औषधियां भी निशुल्क प्रदान की गई। सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों में क्षेत्र के लोगों को अपना चेकअप करवाना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने रेड क्रॉस समिति कंडाघाट के सदस्यों को इस उपमंडल स्तरीय स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को लेकर बधाई दी। उसमें प्रयास एसएम साहब ने पति सिद्धा साहब ने किए हैं, उस साथ में डॉक्टर देश किशोर का काफ़ी योगदान है इसमें, और लोकल डिपार्टमेंटल का, लोकल पंचायत का और अन्य जो सज्जन हैं यहाँ पे जो मानव सेवा में लीन रहते हैं, उन सभी का योगदान है इसके लिए। और ये उपमंडल स्तर का 30 साल इनका रेड क्रॉस का स्वास्थ्य शिविर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ और कामना करता हूँ जो भी लोग यहाँ पर आए हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए तुरंत अपना स्वास्थ्य लाभ लेंगे और अच्छी सुविधा उनको मिलेगी। इस मौके पर एसडीएम कंडाघाट डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि जल्द ही रेड क्रॉस समिति कंडाघाट सितंबर माह में कंडाघाट में मेगा मेले का आयोजन करेगी, वहीं इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ा मेला जो है वो इसमें आयोजित करेंगे रेड क्रॉस मेला, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत सी गतिविधियां जो है शामिल करेंगे, और उसी दिन इस तरह का दूसरा कैंप भी हम आयोजित करने का प्रयास करेंगे एमओयू के सहयोग से। तो आज काफी संख्या में लोग, करीब मुझे लगता है 300-400 के आसपास लोग अभी तक अपनी पर्चियां रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और 3 बजे तक हमारा ये कैंप चलेगा। जब तक पूरे लोग जितने भी आए होंगे उनको हम चेक नहीं करवा देंगे तब तक ये कैंप चलता रहेगा, और उसके बाद फिर जो लोग जितनी ट्रीटमेंट आगे आवश्यकता होगी कि उनको फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी एमएमयू भेजा जाएगा, यहाँ से बसेस जो है वो एमएमयू भी जाएगी। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।